सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास फोर्थ इंग्लिश बुक, दैट इज चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज द कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। हैव यू एवर सीन अ कोकोनट ट्री, क्या आपने कभी नारियल का पेड़ देखा है? अ कोकोनट ट्री ऑफन ग्रो ओवर 100 feet इन हाइट। जो कोकोनट ट्री है, नारियल का पेड़ है, वो बहुत ऊंचा होता है, करीबन वो जमीन से 100 feet ऊपर तक बढ़ सकता है। इट्स लीव ग्रो ओनली एट द टॉप, जो इसकी लीव्स हैं, इसकी पत्तियां हैं, वो सिर्फ टॉप में ग्रो करती हैं। टॉप में मतलब सबसे ऊपर ही ग्रो करती हैं। फर्स्ट देयर आर white flower which form into a cluster of 12 to 20 nuts. पहले इसमें सफेद फूल खिलते हैं, जिससे 12 से 20 नट के गुच्छे निकलते हैं। ठीक है, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? गुच्छे, एंड नट्स, जिसमें 12 से 20 नट के गुच्छे निकलते हैं। A full grown and healthy palm give about 120 coconut in each season. एक जो healthy palm है, एक जो healthy ये पेड़ है, ये एक season में कम से कम 120 coconut देता है। There is no part of coconut which is useless. Coconut का कोई भी एक ऐसा part नहीं है, कोई भी एक ऐसा अंग नहीं है जो कि यूजलेस है, जो कि बेकार है। द ग्रीन कोकोनट इज वैल्यूड फॉर इट हाईली टेस्ट स्वीट एंड रिफ्रेशिंग वाटर। जो ग्रीन कोकोनट है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है टेस्ट में, मीठा होता है, और उसके अंदर जो पानी होता है वो एकदम फ्रेश होता है। इट क्वेंचेस थर्स्ट ऑफ मिलियन ऑफ पीपल ओवर द कंट्री। ये करीबन मिलियन मींस करीबन लाखों लोगों की प्यास को क्वेंच करता है, यानी प्यास को बुझाता है। ठीक है, द नट वाइट पार्ट गिव फूड टू द नंबर ऑफ पीपल। जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है, ये बहुत सारे लोगों को खाना देता है। द फ्लावर स्टेक इज यूज्ड टू गेट द शुगर। जो फ्लावर होता है इसके अंदर, उसका इस्तेमाल शुगर के लिए किया जाता है। जो ड्राइड कोकोनट होता है, कर्नल, इज कॉल्ड कोपरा। जो जब जब ये कोकोनट सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो इसको कोपरा कहते हैं। इट प्रोड्यूस आफ्टर ड्राइंग अ स्मॉल एंड ब्रोकन पीस ऑफ कर्नल इन द सन। ये कैसे बनता है कोपरा? जब इसको ड्राई किया जाता है, सुखा दिया जाता है, और छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है कर्नल के सन में, जब हम इसको सन में धूप में सुखा देते हैं, तो ये कोपरा बन जाता है। जो इसका आउटसाइड, जो इसका ये हस्क होता है, ये जो ये ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है, भूरा भूरा, जो इसका ये भूरा भूरा हिस्सा होता है, इससे रस्सी बनाई जाती है, डोरमेट बनाए जाते हैं, ब्रूम बनाई जाती है, ब्रूम यानी झाड़ू बनाई जाती है। कोकोनट जो लीव है, प्रोवाइड चीप मटेरियल फॉर द रूफिंग हट। जो कोकोनट की लीव है, कोकोनट की पत्तियां हैं, नारियल की जो पत्तियां हैं, वो हमें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, जिससे लोग अपने हट की, अपनी झोपड़ी की जो ऊपर की रूफ होती है, ऊपर की छत होती है, उससे बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट। आगे भी है, अभी आगे बढ़ लेते हैं। यू मे ऑल्सो फाइंड इट इंटरेस्टिंग आप टू नोट हाउ द कोकोनट गॉट इट्स नेम। आपको ये जान के भी बहुत रुचि आएगी, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा आपको ये जानते हुए कि जो कोकोनट है, जो नारियल है, उसे उसका नाम कैसे मिला। मैनी बिलीव दैट इट वॉज नेम्ड बाय द पीपल ऑफ पोर्टुगल। बहुत सारे लोग, मैनी मतलब बहुत सारे, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो इसका नाम है वो पोर्टुगल लोगों ने रखा। पोर्टुगिज मीनिंग ऑफ कोको इज डिसऑर्डर्ड फेस। जो पोर्टुगिज में मीनिंग है कोको का, उसका मतलब होता है
डिसऑर्डर्ड फेस, डिसऑर्डर्ड फेस मतलब खराब चेहरा। सिंस पोको इन पोर्टुगीज मीन्स पग बियर और डिसऑर्डर्ड मास्क, द नट गॉट इट करेंट नेम। सिंस जो पोको है पोर्टुगल में, उसका मतलब होता है जटामय या फिर विकृत मुखोटा, यानी अजीब सा फेस, अजीब सा मास्क। इस तरीके से नारियल को उसका नाम मिला। ठीक है, तो चलिए इसमें हम इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, इस चैप्टर में हमने कोकोनट ट्री के बारे में पढ़ा। जो कोकोनट ट्री है वो बहुत ज्यादा लाभदायक है। एक सीजन में एक पेड़ में करीबन 120 नारियल तक मिल जाते हैं एक सीजन में। ये जमीन से करीबन 1000 फीट तक लंबा पेड़ हो सकता है। कोकोनट का हर एक चीज, हर एक पार्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसमें से कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। जब ये फ्रेश होता है तो इसका पानी, इसका जो वाइट वाइट हिस्सा है वो सब खाया जाता है, पानी पिया जाता है। इसके सूखने के बाद इसको कोका का कोपरा कहा जाता है। इसकी जो ये ब्राउन चीज होती है, ये जो रस होता है, इससे रस्सी, डोरमैट और ग्रूम बनाया जाता है। डोरमैट यानी जो हम अपने गेट पे रखते हैं पैर पोछते वक्त वो, और ग्रूम यानी झाड़ू बनाई जाती है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये नारियल का पौधा बहुत ज्यादा यूजफुल है। और जो नारियल की जो पत्तियां होती हैं उसका इस्तेमाल घर गांव में जो हट होते हैं, जो झोपड़ी होती है, उनके जो छत होती है उसे बनाने के लिए किया जाता है। कोकोनट, नारियल, क्लस्टर, गुच्छा, नेट, गिरी वाला फल, सीजन, मौसम, क्वेंच, प्यास बुझाना या बुझना, स्टॉक यानी डकल, कर्नल यानी गूदा, हस छिलका, रोप रस्सी, रूम झाड़ू, डिसऑर्डर्ड विग, मास्क मुखोटा, करंट आज का। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। थैंक यू।